हेलो प्यारे बच्चों, आज हम लोग सीखते हैं संतुलित करना, जो एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आज हम लोग देखते हैं और इसको आसान तरीके से सीखने की कोशिश करते हैं। आपके बोर्ड पे दिख रहा है एफ ई प्लस एच टू ओ समीकरण एफ ई थ्री ओ फोर प्लस एच टू दिया हुआ है। तो आज हम इसके बारे में जानते हैं, इसको संतुलन कैसे करें, है ना, संतुलन कैसे किया जाता है। तो आज हम लोग इसके बारे में एक आसान तरीके से सबको हम लोग आज को जानते हैं। पहले तो हम लोग जान लेते हैं कि एफ ई प्लस एच टू ओ और एक साइड में दिया हुआ है एफ ई थ्री ओ फोर प्लस एच टू। तो इसको हम लोग संतुलित कैसे करेंगे, पहले तो देखें कि संतुलित है या नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग एक एक करके देखेंगे कि संतुलन है या नहीं है। तो एफ ई दिया हुआ है, जो आपको यहाँ पर नहीं कुछ दिया हुआ है, तो आप माने यहाँ पर एक है, प्लस एच टू यानी हाइड्रोजन दो है और ऑक्सीजन यहाँ पे नहीं कुछ है, तो एक दिया हुआ है। अब हम लोग आते हैं, ये आपका हो गया अभिकर्मक, ये हो गया उत्पादक, ठीक है। तो एफ ही जो दिया हुआ थ्री है, ओ है फोर है और एच जो है वो टू दिया हुआ है। तो आपको संतुलन बिल्कुल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर एफ ई जो है वो एक है और एफ ई जो है वो तीन है, और यहाँ पर हाइड्रोजन दो है, यहाँ पर वे है जो हाइड्रोजन दो है, लेकिन ऑक्सीजन एक है, यहाँ पर ऑक्सीजन चार है। तो ऑक्सीजन और फेरम ये दोनों संतुलन नहीं है। तो हम लोगों को इसी के बारे में आज हम लोग जानेंगे कि संतुलन कैसे किया जाता है। तो इसको आइए हम लोग करते हैं संतुलन। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड और ये साइड लिखेंगे राइट हैंड साइड। अब इसके बाद जो है हम लोग एक एक करके एक बॉक्स में लेकर हम लोग उसको संतुलित करने का कोशिश करते हैं। देखते हैं एफ ही दिया हुआ है, हम लोग एफ ही लिखते हैं। एफ ही का वहाँ पे कुछ दिया नहीं है, है ना, बट हम लोग एक मानते हैं कि एक है। अब इसको हम लोग बॉक्स में बना लेते हैं। बॉक्स इस कारण बनाते हैं क्योंकि यहाँ पर जो प्लस का एक जो दिया हुआ सिम्बॉल, यहाँ पे प्लस का सिम्बॉल देने के कारण इसको हम लोग सिंगल बॉक्स में बंद करते हैं। इसके बाद एच टू दिया हुआ है, यानी हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन को दो दिया हुआ और ऑक्सीजन का कुछ भी नहीं है, तो हम लोग एक मान लेते हैं ना। तो ये आपका अलग बॉक्स में आ जाएगा। अलग अलग बॉक्स में इस कारण देते हैं कि बीच में यहाँ पर प्लस आ गया, तो इस कारण इसको अलग बॉक्स में बांट दिए। एच टू ओ दिया हुआ है, ये जो दो आप लोग का दिया हुआ है, इसको एक बॉक्स में रखे हैं क्योंकि यहाँ पर प्लस का सिंबल नहीं था, तो इसको हम लोग क्या कर दिए हैं, एक ही बॉक्स में रख दिए हैं। तो ये आ गया आपका लेफ्ट हैंड साइड का। हम लोग आते हैं राइट हैंड साइड का, देखते हैं राइट हैंड साइड में क्या दिया हुआ। एफ ही, एफ ही आप लोग का थ्री दिया हुआ है और ओ फोर दिया हुआ है। ये दोनों यहाँ पे प्लस सिंबल नहीं है, इसी कारण हम लोग इसको एक बॉक्स में करना पड़ेगा, इसको एक बॉक्स में कर दिए। अब यहाँ पर प्लस है तो हम लोग को अब अलग बॉक्स में दे दिए दे देंगे। एच है, एच को एच का दो दिया हुआ है, इसको हम लोग दो दे के अलग कर दिए। अब हम लोग देखेंगे एफ ही का एक है, एफ ही का थ्री है, हाइड्रोजन दो है, यहाँ पर हाइड्रोजन दो है, ऑक्सीजन है कि यहाँ पर ऑक्सीजन फोर है, यानी कि हम लोग का बराबर जो है बिल्कुल नहीं है। तो हम लोग इसी को हम लोग चलिए अब करते हैं बराबर। देखिए यहाँ पर एफ ही को एक है, यहाँ पर तीन है, तो हम लोग इसको सबसे पहले एक एक करके बराबर करें, यानी कि मतलब ये सामने वाला जो इस बॉक्स का इसके साथ रिलेशन है और इसका जो है इसके साथ रिलेशन है, यानी कि संतुलन अब करना यहाँ पे कितने संख्या से, यानी हम गुना करेंगे कि हमारा ये तीन जो है फेरम का राइट हैंड साइड में दिया हुआ है, जो लेफ्ट हैंड साइड में तीन आ जाए। तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं तीन से गुना करेंगे, तो तीन गुने एक करेंगे तो यहाँ पर आपका तीन हो जाएगा। अब आपका जो फेरम एक नहीं रह गया, आपका फेरम जो है वो तीन हो गया है। जब हम तीन से गुना करेंगे तो तीन गुने एक करेंगे यहाँ पे गुना, तो तीन गुने एक करेंगे तो तीन हो जाएगा। अब हम लोग का फेरम का जो एक है वो एक नहीं, अब तीन हो जाएगा, यानी कि फेरम का तीन है, यहाँ भी फेरम का तीन हो गया, ठीक है। अब इस तरह हम लोग अगले पे आते हैं। हाइड्रोजन के यहाँ दो है, हाइड्रोजन यानी कि हाइड्रोजन आपका बिल्कुल क्या है, संतुलित है, लेकिन ऑक्सीजन का एक है, यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है, चार है, तो आपका संतुलन नहीं है। अब हम लोग इसको करेंगे, यानी कि गुना यहाँ करना होगा कि यहाँ करना होगा, कितना संख्या से गुना करें, एक बात का ध्यान रखना है, गुना ऐसे ही मतलब किसी संख्या से ना कर देंगे, गुना हम लोग उससे करेंगे जैसे कि इसका संख्या से बराबर हो जाए। यहाँ पे जब गुना करेंगे तो ये जो यहाँ पर ऑक्सीजन फोर दिया हुआ है, तो यहाँ पर कितना से गुना करें कि यहाँ भी ऑक्सीजन कितना हो जाए, चार हो जाए। तो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर एक दिया हुआ है, यानी हम यहाँ पर कितना से गुना करें कि यहाँ पर भी क्या हो जाना चाहिए, चार हो जाना चाहिए। हम लोग यहाँ पे
चार से गुना करेंगे, चार गुने एक, तो यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, चार हो जाएगा। यानी ऑक्सीजन भी चार हो गया, यहाँ भी ऑक्सीजन चार हो गया। लेकिन एक बात को और ध्यान रखिएगा कि एक बॉक्स में दो तत्व दिए हुए हैं, एक बॉक्स में एक आपका हाइड्रोजन है और ये आपका ऑक्सीजन है ना। तो इसके लिए आपको इसका साथ भी गुना करना होगा। क्यों करना होगा, क्योंकि ये एक ही बॉक्स में दो दिया हुआ है ना। तो इसीलिए हमें जो है इसके साथ ये इससे गुना भी करना होगा। तो चार गुने दो भी करेंगे तो कितना हो जाएगा, चार दुनी आठ। लेकिन अब यहाँ पर हाइड्रोजन आठ हो गया और ऑक्सीजन चार है, तो यहाँ पर दिक्कत हो गया, हाइड्रोजन के दो है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमको क्या करना होगा, यहाँ पर भी किसी संख्या से गुना करना होगा। यदि हम तीन से करते हैं तो तीन दुनी छः हो जाएगा, लेकिन ये छः हाइड्रोजन छः हो जाएगा, लेकिन ये हाइड्रोजन कितना है, चार है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो जब भी संख्या लें यहाँ पे गुना करने के लिए, तो सोच लें है ना कि किस संख्या से गुना किया जाए कि हमारा जो है एक दूसरे से क्या हो जाना चाहिए, बराबर हो जाना चाहिए। तो हम लोग जो है यहाँ पे चार से गुना करेंगे, यानी चार गुने दो करेंगे तो आठ हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि हम लोग जो संतुलन किए हैं वो आपका बराबर होता है या नहीं होता है, हम लोग चेक करते हैं। थ्योरम दिया हुआ है, ये आपका तीन है, ये आपका संतुलन है। देखिए अब आते हैं हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का एट है, यहाँ भी हाइड्रोजन का एट है। ऑक्सीजन का चार है, यहाँ भी ऑक्सीजन का चार है। यानी कि आपका ये बिल्कुल क्या हो गया है, संतुलन। लेकिन आपको यह संतुलन हो तो गया है, लेकिन आप इक्वेशन यानी कि आप इसको कैलकुलेशन किए हैं ना, इसके लिए आपको संतुलन करना है, आप नीचे आपको करना होगा जब हम आपको बताते हैं। देखिए जिस ढंग से आपका दिया हुआ था उसी ढंग से जितना नंबर आप गुणा किए हैं उस पर सिर्फ बैठा देना है। तो एफ ई दिया हुआ है, प्लस है एच टू ओ। एक बात को ध्यान रखिए, जो ऊपर में दिया रहे क्वेश्चन में आपको सेम वही चीज़ उतार देना है। हम सबसे पहले जो दिया हुआ है उसी को उतार दे रहे हैं, एफ ई थ्री ओ फोर प्लस एच टू। जो ऊपर क्वेश्चन में था वो हम नीचे उतार दिए हैं, ठीक है। अब लेकिन संतुलन तो यहाँ पर भी नहीं है। अब हम लोग जो यहाँ पे जो किए हैं इतना गुना है ना, यही हम लोग को क्या करना होगा, बैठाना होगा, ठीक है। जो नंबर हम लोग यहाँ पे कैलकुलेशन किए हैं, देखते हैं एफ ई जो है, एफ ई को हम लोग कितना से गुना किए हैं, तीन से किए हैं, तो यहाँ पर तीन लिखना होगा। अब देखते हैं एच टू, एच टू को गुना किए हैं, एच को किए हैं, फोर से किए हैं। अब आते हैं राइट हैंड साइड में, यहाँ किसी पे गुना किए हैं, इस वाले में नहीं किए, यानी कि इस वाले बॉक्स में गुना किया हुआ है, नहीं किया हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग गुना करें, यहाँ पे किस संख्या के दे सकते हैं, नहीं देंगे। सेकंड बॉक्स में किए हैं गुना, सेकंड वन में कितना से किए हैं, चार से किए हैं, तो हम लोग चार यहाँ पर लिखेंगे। अब हम लोग देखते हैं बराबर हुआ कि नहीं हुआ। देखिए फेरम का तीन, यहाँ भी फेरम का तीन है, ऑक्सीजन का। अब देखिए ये बगल में इसके जब बराबर में जब दिया रहे संख्या यहाँ पर कोई बैठाया जाए तो इसका मतलब होता है कि इसका भी चार है और इसका भी चार है, यानी चार इसका भी है, चार इसका भी है ना। लेकिन जब ऑलरेडी यहाँ पर पहले किसी का दिया रहे, पहले से दो इसका है और यहाँ पर ये बगल में दिया रहे, ये दोनों इससे जो है वो गुना हो जाता है, जैसे चार दूनी आठ हो जाएगा है ना। तो हम देखेंगे ऑक्सीजन हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, चार दूनी आठ। यहाँ देखिए हाइड्रोजन का यहाँ भी गुना हो जाएगा, अभी जस्ट बताया आपको इसके बगल में रहे तो इसका भी चार, यदि आओ कुछ यहाँ पे तत्व रहे तो उसका भी हो जाएगा, ठीक है। तो चार दूनी आठ, यहाँ भी चार दूनी आठ। अब आते हैं ऑक्सीजन का, तो कुछ है ही नहीं है, ऑक्सीजन का कहाँ पर है, यहाँ पर है, अभी हम आपको बताए हैं ना कि जब इसके बगल में मतलब नीचे ना दिया रहे है ना, इसके इसके जो है मतलब बगल में दिया रहे तो ये आपका क्या हो जाएगा, इसका भी आ जाएगा, इसका भी आ जाएगा। तो ये ऑक्सीजन का चार है, यहाँ भी ऑक्सीजन का ऑलरेडी यहाँ पर दिया हुआ चार, यानी कि हमारा ये जो क्या है, बिल्कुल ये संतुलित है। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
मेरे प्यारे बच्चों, अब हम आते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर जो आपके बोर्ड पे है। H2+O2 ये आपका लेफ्ट हैंड साइड में दिया हुआ है और राइट साइड में दिया हुआ है H2O, यानी आपको यहाँ पर देखना होगा ये संतुलित है कि नहीं है, है ना। तो आप लोग यहाँ से खुद देख सकते हैं, हाइड्रोजन का 2 दिया हुआ है, ऑक्सीजन का 2 दिया हुआ है, और यहाँ पे हाइड्रोजन का 2 है, ऑक्सीजन का यहाँ पर कुछ भी नहीं है, यानी कि वहाँ पे 1 है। तो ये बिल्कुल संतुलित नहीं है, हाइड्रोजन तो संतुलित है लेकिन ऑक्सीजन जो है वो आपका बिल्कुल संतुलित नहीं है। तो हम लोग को किसका संतुलित करना होगा, ऑक्सीजन को जो है वो आपको संतुलित करना होगा। आइए हम लोग करते हैं ऑक्सीजन का संतुलित। तो सबसे पहले हम लिख देते हैं लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड। अब इसको हम लोग संतुलित करते हैं। आप लोग को पहले बता चुके हैं कि ये एक बॉक्स, यहाँ पे सबसे पहले एक बॉक्स ले लेते हैं, यहाँ पे एक बॉक्स ले लिए, इसमें जो है हम लोग को पहले H देना होगा। H का कितना दिया हुआ है, 2। हम लोग को यहाँ पर बॉक्स एक ही देना होगा, यहाँ पे एक एक बॉक्स में एक ही देना होगा हाइड्रोजन को सिर्फ, क्योंकि यहाँ पे प्लस का सिंबल है, तो इसको हम लोग को अलग बॉक्स में करना होगा। तो एक अलग बॉक्स लेके हम लोग इसमें ऑक्सीजन का दे देते हैं। ऑक्सीजन का कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है। जो इसका जो दिया हुआ है बस उसी को आपके बॉक्स में वो लिखा जाता है, ठीक है। अब आते हैं राइट हैंड साइड में, H2O दिया हुआ है, इसमें किसी का सिंबल नहीं है प्लस का, है ना। तो हम लोग इसको डायरेक्ट जो है वो एक ही बॉक्स में लिख देंगे, हाइड्रोजन का 2 और ऑक्सीजन का कुछ नहीं दिया हुआ है, तो वहाँ पर हम लोग 1 दे सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग इसको संतुलित कर लेंगे, हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन 1 है, यानी कि ऑक्सीजन को हम लोग को संतुलित करना होगा। लेकिन आपको सोचना होगा कि सर गुना कहाँ पर करें, है ना। तो गुना जो है आपका यहाँ पर ऑलरेडी यहाँ पे ज़्यादा है, यहाँ पर आपको क्या है ऑक्सीजन को कम है, तो यहाँ पर हम लोग गुना नहीं करेंगे, हम लोग गुना यहाँ पर करेंगे कि इसका बराबर हो जाए, ठीक है। ये आप ना कि आप गुना यहाँ कर दें, यहाँ गुना करेंगे, यदि 2 से करेंगे तो 2 × 4 हो जाएगा, लेकिन फिर आपको यहाँ से करना होगा कितना से, 4 से, तो आपका उसे हाइड्रोजन का जो जो बराबर यहाँ पर है हाइड्रोजन, वो आपका बिगड़ सकता है ना। तो हम लोग यहाँ पे ना करेंगे, यहाँ पर करेंगे, क्योंकि घट कहाँ रहा है ऑक्सीजन, यहाँ पर घट रहा है, यहाँ पर 2 तो है ही लेकिन यहाँ पर 1 है, तो घट यहाँ ना रहा है। जहाँ पे किसी चीज़ जैसे मान लीजिए खाना खा रहे हैं, ठीक है, तो खाना खाएंगे जिसके पत्तल में या जिसके जिसके भी खाना में थाली में जो नहीं खाना है ना, तो उसको जाकर ना पूछेंगे आप खाना लीजिए कि नहीं लीजिएगा, है ना। तो यहाँ पर नहीं है तो इसको हम क्या करते हैं, पूर्ति करेंगे। तो यहाँ पर कितना से गुना किया जाए कि ये 2 जो है ऑक्सीजन किसके में क्या चला है, बराबर हो जाए। तो हम लोग गुना करेंगे 2 से, तो 2 × 1 करेंगे तो ये आपका ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन एक बात को आपको ध्यान रखना है, ऑक्सीजन को तो आप बराबर कर लिए, लेकिन हाइड्रोजन बेचारा क्या हो गया, पिछड़ गया। पिछड़ कैसे गया, क्योंकि आपको तो इसको तो खाना पूर्ति कर दिए, लेकिन आपके बगल में जो बैठा हुआ है ना साथ में, तो उसका मन है कि नहीं हम कुछ और एक्स्ट्रा खाना लेंगे, है ना। तो एक्स्ट्रा खाना लेंगे तो उसके लिए आपको उसको भी क्या देना होगा, कुछ एक्स्ट्रा खाना उसको थाली या पत्तल में क्या करना होगा, देना होगा। तो आप लोग इसको नहीं दिए तो इसको हाइड्रोजन का देना होगा, नहीं देना होगा, बिल्कुल देना होगा। नहीं दीजिएगा तो क्या होगा, गुस्सा हो जाएगा, है ना, रूस जाएगा, हम नहीं खाएंगे खाना, ऐसा नहीं है, है ना। तो देखते हैं इसको हम लोग 2 से, यानी 2 से गुना किए तो इसको भी 2 ही से गुना करना होगा, यानी जितना संख्या पर एक बार ले लिया जाएगा ना, उसी से उस बॉक्स में जितना भी तत्व दिया रहे उस सबको उसी से क्या करना पड़ेगा, गुना करना पड़ेगा। तो यहाँ पर 2 है तो 2 × 4, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ध्यान दे गया कि यहाँ पर आपका जो हाइड्रोजन अब 2 नहीं रह गया, यहाँ पर हाइड्रोजन कितना रह गया, अब 4 हो चुका है, लेकिन हाइड्रोजन यहाँ पर कितना है, 2 है, यहाँ पर दिक्कत हो गया। अब क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है, सिर्फ यहाँ पर दिमाग लगाइए, है ना, और 2 से गुना कर दीजिए, 2 × 4, अब मिलाइए, हाइड्रोजन का कितना हो गया, 4 हो गया, हाइड्रोजन कितना हो गया, 4 हो गया, यहाँ पर ऑक्सीजन कितना हो गया, 2 हो गया, यहाँ पर ऑक्सीजन कितना हो गया, 2 हो गया। आपका ये बिल्कुल क्या हो चुका है, संतुलित हो चुका है, है ना। अब हम इसको करते हैं नीचे में संतुलन। हाइड्रोजन पहले तो जिस ढंग से आपका ऊपर जो दिया उसको आप हम लोग क्या करते हैं, नीचे उतार लेते हैं, ठीक है। H2+O2H2O, अब ये देखिए आपका संतुलन अभी नहीं है। अब जैसे जैसे हम लोग जो नंबर से यानी जो संख्या से गुणा किए हैं वो सब को हमें बैठाना होगा। यदि आप लोग को बैठाने में दिक्कत होता होगा, है ना, तो आप लोग देख लें किसी ने बैठा रहता है, हम गुणा किए हैं 2 से, है ना,
तो दो हम लोग यहाँ से यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ पे इस साइड में पूरे बॉक्स पे गुना किए हैं, तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे गुना यहाँ पे बैठा देंगे, ठीक है। अब आते हैं इसमें, इस बॉक्स पे गुना किए हैं नहीं किए हैं, इस बॉक्स को छोड़ देना है। अब आते हैं राइट साइड में हाइड्रोजन के, यानी इस बॉक्स में हम लोग गुना किए हैं, इस बॉक्स में गुना किए हैं, तो हम लोग इस बॉक्स में यहाँ पर दे देते हैं। ये आपका हो चुका है। लेकिन अभी देखिए, यहाँ बताए थे कि यहाँ पर जब रहे तो ये दो इसका भी और ये दो इसका भी, यानी इसका भी दो दो भी हो जाता है, ठीक है। अब देखिए ये दो दुनी चार हो जाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन का ये दो ये भी है और यहाँ पर भी है, यानी कि ये दोनों इसके साथ गुना हो जाता है। कभी जोड़िएगा नहीं कि हाँ दो दो चार, नहीं कभी जोड़ना नहीं है, ये गुना होता है, ठीक है। अब आगे इसका देखिए, दो दुनी चार, यानी कि यहाँ हाइड्रोजन चार है, यहाँ भी हाइड्रोजन चार है, यहाँ ऑक्सीजन दो है, यहाँ ऑक्सीजन कितना है, ये दो है। अभी बताए थे कि जब इसके बगल में लिख देंगे, है ना, नीचे नहीं इसके बगल में लिखेंगे, तो इसका भी हो जाता है और इसके बगल वाले की भी हो जाता है, ठीक है। तो आपका ये सेकेंड जो है संतुलित हो चुका है, ठीक है।